हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरे एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताऊंगी बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान बैकनेक डिज़ाइन। तो देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको शुरू में ही दिखाई थी, मैं देख सकते हैं फिनिशिंग कितना अच्छा आया था और डिज़ाइन भी बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पर क्या करना है ना, जिसमें मतलब जिस प्रकार आपको पीछे का डिज़ाइन चाहिए उस प्रकार कटिंग कर लीजिएगा अपने माप के अनुसार, या तो आप मेरे अनुसार भी कर सकते हैं जिस तरह मैं की हूँ। तो मेरे को ये डिज़ाइन ना बहुत ही पहले से मतलब पसंद था और सीने का मन करता था कि मैं भी कब सीऊँगी। तो यहाँ पे अस्तर का कपड़ा मैं बहुत ही पहले ही सी थी, ब्लाउज़ का पीस जो था ना बहुत ही पहले सी थी। तो फिर मेरे को वो वाला डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा, तो मैं फिर से कटिंग करके दूसरा डिज़ाइन बना रही हूँ, इसीलिए अस्तर मैच नहीं हो रहा। तो यहाँ पे मैं दूसरा अस्तर मैच करके लगा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना, डिज़ाइन के ऊपर जो हमारा कटिंग है उसके ऊपर अस्तर लगा के मैं देख सकते हैं ऊपर से मैं एक सिलाई लगा रही हूँ। तो आप लोग भी फिनिशिंग से लगा लें। देख सकते हैं यहाँ पे मैं लगा ली हूँ और इसी प्रकार मैं दोनों साइड भी लगा लूँगी, इस साइड भी। तो आप लोग क्या है ना, मैं इस मेरे तरह मतलब कपड़े को मतलब अस्तर कपड़े को जो डिज़ाइन के लिए ले रही हूँ इसी तरह भी ले सकते हैं, या तो कटिंग करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलाई करने के बाद कटिंग कर रही हूँ, तो अपने अनुसार आप कर सकते हैं। उसके बाद छोटे छोटे कट लगा दूँगी इसी प्रकार, और मैं अस्तर के कपड़े में एक सिलाई लगा दूँगी और ऊपर से एक सिलाई और लगा दूँगी फिनिशिंग के लिए। देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार। तो यहाँ पे मैं डोरी लगाने का माप मतलब लगा रही हूँ, जो मैं डोरी लगाऊंगी यहाँ पे छोटे कुंडी बोलते हैं ना, जो डोरी को मैं इसके अंदर लगाऊंगी। तो देख सकते हैं मैं 1 इंच का डोरी कट की हूँ और यहाँ पे मैं स्टिच कर दूँगी। देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार। तो एक साइड में डोरी को लगा ली हूँ, अब मैं दूसरे साइड भी लगाऊँगी। तो देख सकते हैं हमारा कुंडी लगकर रेडी हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको मैं कटिंग कर लूँगी और यहाँ पे मेरा डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। तो मैं क्या करूँगी ना, मतलब अच्छा लुक देने के लिए मैं लेस बिठा रही हूँ। देख सकते हैं आप लोग भी अपने हिसाब से, मतलब सिंपल रखना होगा सिंपल रख सकते हैं, नहीं तो लेस भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ पे पूरे ब्लाउज़ में लेस लगा लूँगी और इसके ऊपर एक और सिलाई लगा दूँगी फिनिशिंग के लिए। थोड़ा मोटा लेस होता है ना, उस पर डबल सिलाई लगाने से अच्छा होता है। देख सकते हैं मैं दोनों साइड लेस बता दी हूँ और कितना प्यारा लग रहा है। अब क्या करना है ना, डोरी को पहले मतलब कुंडी में घुसा देंगे जो मैं बनाई हूँ। देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार।
देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है बेक कट मतलब डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन है पर बहुत ही अच्छा लगता है। अब क्या करना है ना, जो डोरी के नीचे है उसमें लटकन लगा लेंगे। मेरे पास कपड़ा कम था इसीलिए मैं थोड़ा छोटा छोटा लगा रही हूँ। आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो बहुत ही अच्छा लटकन बन के तैयार होगा और दिखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। इस पे मैं 3 लटकन दूंगी। और इसी प्रकार मैं तीसरा लटकन भी बना के रेडी कर लूँगी। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है, लटकन भी कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे देखिए मैं पहन के आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। और यहाँ पे देख सकते हैं ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है पूरा। ये पीछे का पार्ट है और ये आगे का पार्ट। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और इसी के साथ लाइक कर